नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले भी हम भगत जी प्रोडक्शन के माध्यम से आपको लेटेस्ट नई नई न्यूज दिखाते रहे हैं। आज हमारी टीम भगत जी प्रोडक्शन फिर पहुंची जिला आगरा तहसील किरावली के ब्लॉक फतेहपुर सीकरी में। वहां संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग समारोह चल रहा है। आपको दिखाते हैं वो सत्संग समारोह जहाँ संत जी मंगल प्रवचन टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं। यह है वो मेन गेट जहाँ संत जी टेलीविजन के माध्यम से और सत्संग प्रवचन कर रहे हैं। यहाँ बुक स्टॉल लगा रखी हैं। यहाँ संत जी की हस्तलिखित पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह। जो भी श्रद्धालु या सत्संग सुनने के लिए आता है एवं पुस्तक पढ़ने का इच्छुक होता है वह संत जी द्वारा लिखित पुस्तकों को यहाँ से प्राप्त करता है। तो किस प्रकार से संत जी के अनुयायियों ने फ्लैक्स सेवा लगा रखी है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है और संत जी के जो फोटोज हैं, फ्लैक्स हैं, उनको पसंद करता है तो यहाँ से फ्लैक्स प्राप्त करता है। यहाँ संत जी के अनुयायियों ने जल राम की व्यवस्था को संभाल रखा है। यहाँ छोटे छोटे अनुयायी एवं माता बहनें खड़े हुए हैं जो स्टॉल बना रखी है। जल की व्यवस्था है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वच्छ मिशन, स्वच्छ समाज, स्वच्छ भारत, देख सकते हो किस प्रकार से ये लोग झूठे बर्तनों को धो करके और अच्छी तरह से साफ करके वहाँ रखते हैं जो लोग श्रद्धालु पानी पीते हैं। अब हम सत्संग प्रांगण में खड़े हुए हैं जहाँ संत जी के अनुयायियों ने नाना प्रकार से व्यवस्था संभाल रखी है। आप देख सकते हो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर संत जी के अनुयायियों ने व्यवस्था को संभाला हुआ है। यहाँ संत जी के अनुयायियों ने जूता व्यवस्था को संभाल रखा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसे टोकन देते हैं एवं जूते जमा करते हैं। देख सकते हो टेलीविजन के माध्यम से जगत गुरु संत रामपाल जी परमपिता परमेश्वर यहाँ मंगल प्रवचन कर रहे हैं। इनको इनके अनुयायी परमपिता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं। कितना अनुशासन बनाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एवं अन्य भक्तगण। संत जी के अनुयायी संत जी को नमन करते हैं। इनके अनुयायियों को कहना है जो भी श्रद्धालु संत जी से दीक्षा लेकर यहाँ आता है तो सबसे पहले अपने गुरु को नमन करता है। नमन करने के बाद में वो सत्संग प्रांगण में बैठ करके शांतिपूर्वक सत्संग सुनता है। यहाँ संत जी के अनुयायियों ने माता बहनों के लिए एक अलग से सत्संग की व्यवस्था कर रखी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो स्थान दिखाएं जहाँ माता बहनें शांतिपूर्वक बनाए हुए सत्संग को श्रवण कर रही हैं। परमात्मा ने कहा बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता हैं, ये झूठ नहीं बोला करते, सच ही बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात ने नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी। यहाँ संत जी के अनुयायियों ने चाय राम की व्यवस्था, जिसको हम चाय बोलते हैं, टी बोलते हैं, उसको ये लोग चाय राम बोलते हैं। हर वस्तु के पीछे, हर एक नाम के पीछे राम जरूर लगाते हैं। ये यहाँ चाय राम की व्यवस्था रखी गई है। ये प्रसाद रूप में भक्तों को वितरण की जाती है। आप देख सकते हैं उनके संत जी के अनुयायी खड़े हुए हैं, व्यवस्था को संभाले हुए हैं। जो इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हो, किस प्रकार से संत जी के मंगल प्रवचनों को सुनते हुए एवं व्यवस्था को संभाले हुए, आपको जो हमारे कैमरामैन सब कुछ दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग समारोह हो रहा है। यह वो स्थान है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ संत जी के अनुयायियों ने पार्किंग व्यवस्था को संभाले हुए हैं। यहाँ दूर दराज से आने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। आप देख सकते हो या ट्रैक्टरों से, कारों से एवं बाइकों से यहाँ लोग आए हुए हैं, भक्तगण अभी आए हुए हैं और संत जी के अनुयायी भी यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ दूर दराज से, आगरा ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी यहाँ लोग आए हुए हैं एवं संत जी के मंगल प्रवचनों को सुन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि संत जी का अनुयायियों को सिलसिला थम नहीं रहा है। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, ट्रैक्टर भी यहाँ खड़े हुए हैं और मैक्स भी खड़ी हुई है, अन्य कारें भी यहाँ खड़ी हुई हैं। ये कार पार्किंग एवं दो पहिया पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग है, यहाँ बना रखी इन लोगों ने। ये सत्संग सेवा है तो गाड़ी भी है। अगर किसी प्रकार का कोई भगत दूर दराज से आता है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक कार की व्यवस्था कर रखी है उसे लाने ले जाने के लिए। ये संत जी का अनुयायियों ने व्यवस्था को संभाल रखा है। जैसा कि आप पहले भी देखते रहे, हम अपने भगत जी प्रोडक्शन के माध्यम से आपको लेटेस्ट न्यूज दिखाते रहें, क्योंकि आपका जितना प्यार मिला है उसे देखकर हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो भेजें, जिससे आप वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें। देखते रहिएगा भगत जी प्रोडक्शन, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा एवं कमेंट करते रहिएगा। देखते रहिए भगत जी प्रोडक्शन। जय हिंद, जय भारत।